बिहार की राजधानी पटना में 8 दिनों तक चलने वाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 16 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। खास बात यह है कि फिल्म फेस्टिवल में तकरीबन 122 देशों की कम से कम 3,500 से भी ज्यादा फिल्मों को एंट्री दी गई है। जिन देशों की फिल्मों को एंट्री मिली है उनमें ईरान, अमेरिका के साथ फ्रांस, इटली, स्पेन, तुर्की और रूस जैसे तमाम देश शामिल हैं। इससे भी ज्यादा अहम बात तो यह है कि इस महोत्सव में 100 से भी अधिक फिल्मों को दिखाया जाएगा। वहीं इस बात की जानकारी मिल रही है कि महोत्सव को दिवंगत फिल्म अभिनेता ओम पुरी को श्रद्धांजलि देने के बाद शुरू किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्मी कलाकारों समेत देश के भी तमाम जाने माने चेहरे इस इवेंट में अपनी चमक बिखेरते हुए नजर आएंगे। बॉलीवुड समेत फिल्मों से जुड़े नामी गिरामी शिरकत करने वाले लोगों में मशहूर फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल, केतन मेहता के अलावा अनुराग कश्यप जैसे नाम भी शामिल हैं। इनके अलावा नेता और फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा, प्रियंका चोपड़ा, मनीषा कोइराला के अलावा इरफान खान और सुशांत सिंह राजपूत जैसे नाम भी शामिल हैं। फिलहाल बिहार की धरती के लिए वाकई ये गौरव की बात है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं भोजपुरी फिल्म उद्योग को भी अच्छा खासा फायदा हो सकता है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से अभिलाष की रिपोर्ट। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें।